गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी लर्न जीके सब्जेक्ट सी पेज नंबर 268, हमारा चैप्टर फिफ्थ, अवर प्राइड एंड जॉय। ओके, हमारा गर्व और हम जो इसमें एंजॉय करते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं पूरे ईयर में। ओके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी अभी यहाँ पर आपको पढ़ना है इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, यानी हमारा जो इंडिया है वो कैसी जन्मभूमि है, हमारी जो भूमि है फेस्टिवल की। वी सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स टूगेदर। ओके, हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ फेस्टिवल होते हैं जो साथ में हम फेस्टिवल एंजॉय सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल्स आर अवर प्राइड एंड जॉय, वो हमारा यानी हमारी प्राइड यानी गर्व की बात है और हम उसमें आनंद लेते हैं। दिस आर पॉपुलर नोन एज अ नेशनल फेस्टिवल, यानी कुछ फेस्टिवल्स जो है वो हमारे रिलीजन्स के अकॉर्डिंग है और कुछ फेस्टिवल जो हमें गर्व दिलाता है वो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, वो रिलीजन फेस्टिवल नहीं है हमारे। वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फेस्टिवल, हम रिलीजन फेस्टिवल जो है वो हम हमारे करते हैं, बट ये जो नेशनल फेस्टिवल है वो हमको इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हियर इट इज कि जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसके कुछ नाम और पिक्चर्स दिए हैं। फील द करेक्ट नेम ऑफ नेशनल फेस्टिवल, फील द करेक्ट नेम ऑफ नेशनल फेस्टिवल इन ईच ब्लैंक। ओके, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं और थोड़ा सा नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो कौन सा उसका नाम है, वो हमको फेस्टिवल का नाम क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है ब्लैंक, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, अवर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, तो 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर आपको लिखना है री, आपको दिख रहा है ना बराबर, रिपब्लिक डे। ओके, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। सेकेंड, वी सेलिब्रेट इट ऑन 2 अक्टूबर, इट इज द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का बर्थडे होता है, तो वो हम कैसे कौन सा करते हैं, गांधी जयंती। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ ही है गांधी जयंती, तो यहाँ हियर यू हैव टू राइट गांधी जयंती, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, वो महात्मा गांधी का बर्थडे है, उस दिन हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। थर्ड, वी सेलिब्रेट इट ऑन 15 अगस्त, वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, यानी हमको आज़ादी मिली थी उस दिन, तो हम उसमें वो कैसे सेलिब्रेट करते, इंडिपेंडेंस डे की तरह के, तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर INDEPEN, यहाँ पर आपको है ना स्पेलिंग बोलते हुए लर्न करना है, कि ये सारे स्पेलिंग आपको लर्न करना है, DENC इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो 1947 पर हमको इंडिपेंडेंस, हमारा इंडिया हमको आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, तो वो हम इंडिपेंडेंस डे याद करिए, आपको लिखना भी है तभी आपको ये स्पेलिंग लर्न होंगे। वी सेलिब्रेट इट ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर, हम हर बार 14 नवंबर को एवरी ईयर करते हैं, इट इज़ जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे। ओके, जवाहरलाल नेहरू है तो उनकी बर्थडे है, तो वो चिल्ड्रंस डे पर, उनको बच्चे बहुत पसंद थे, चाचा नेहरू भी हम बच्चे उनको चाचा बुलाते थे, तो उनको बच्चे बहुत ही पसंद थे, तो हम उस दिन को उनकी जो बर्थडे थी उस दिन को हम चिल्ड्रंस डे डिक्लेयर किया है, तो चिल्ड्रंस डे। ओके चिल्ड्रन, तो 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे,
इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड 26 जैन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी हमको 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, फ्रीडम मिली हमको, ओके। और 1950 को हमारा नए रूल्स एंड रेगुलेशन हुए, क्योंकि अब तक हम किसके रूल्स एंड रेगुलेशन के, अंग्रेज थे ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम चल रहे थे। बट हमको 1947 15 अगस्त में हमको अंग्रेजों से छुटकारा मिला। देन आफ्टर 1950 को हमने 26 जैन के दिन रिपब्लिक यानी नया पूरा संविधान, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, नया संविधान लिखा गया और अप्लाई हुआ उस दिन, ओके। तो ये हमारा चैप्टर है। मैडम ने देखो आपको इस तरह से, मैडम आपको ये आपको भेज रही है, मैडम आपको इसी तरह पूरे आपकी नोटबुक में लिखना है और हर एक जो सेंटेंस वो डेट है ना वो पूरा 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे आपको 5 टाइम लिखना है। और वन मोर थिंग, अभी मैडम क्वेश्चन ऐसा पूछे, इट इज द बर्थ डे ऑफ महात्मा गांधी, इट इज द बर्थ डे ऑफ महात्मा गांधी। अगर मैडम कोई क्वेश्चन पूछती है तो महात्मा गांधी का बर्थडे तो वो किसे मनाते हैं, गांधी जयंती, उसको कॉल क्या कहते हैं, गांधी जयंती। तो आपको ये भी याद रखना है पूरा कि वी सेलिब्रेट इट ऑन 22 अक्टूबर, इट्स महात्मा गांधी बर्थडे, इट्स कॉल गांधी जयंती, ओके। तो इट इज द चाचा नेहरू बर्थडे 14 नवंबर, क्या कहलाता है, चिल्ड्रंस डे। तो आपको ये भी याद रखना है पूरा, यानी ये लाइन भी लर्न करना है और पढ़ना भी आना चाहिए। मैडम यहाँ पर कैसे पढ़ रही है वैसे ही आपको भी पढ़ना है, वी सेलिब्रेट इट ऑन 14 नवंबर एवरी ईयर, इट इज जवाहरलाल नेहरू बर्थडे, ओके। चिल्ड्रन आपको पूरा रीड भी करना है, ओके। कुछ कुछ मम्मा मुझे बोल रहे कि बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको रीडिंग करना है। जब भी आपका यहाँ पर आप आते हो होमवर्क बताने, तब मैडम आपको कुछ भी रीड भी करवा के बोल पूछ सकती है, ओके चिल्ड्रन। तो यू हैव टू रीड द चैप्टर, क्योंकि आप रीडिंग करोगे तभी आपको स्पेल इंग्लिश लर्न होगा और इंग्लिश रीडिंग भी आएगी, ओके चिल्ड्रन। थैंक यू।